My dear students, welcome back to mathematics class. Today I will teach you exercise 4C, page number 26. Now look up first question number first. 48,730 boys and 45,285 girls took an exam. How many children took the exam? इतने boys, 48,730 boys और 45,285 girls, इतने लोगों ने एग्जाम दिया, तो टोटल कुल कितने बच्चों ने एग्जाम दिया? तो हम क्या करेंगे, दिस नंबर एंड दिस नंबर, इन दोनों को ऐड कर लेंगे. जो हमें ऐड करने पे जो हमको प्राप्त होगा, जो मिलेगा, वही हमारा आंसर होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड. माय मैथ्स बुक सोल्ड 53,290 कॉपीज इन द ईयर 2007. इतनी कॉपियां 2007 में, 53,290 कॉपी 2007 में सेल की गई. इन बोथ 2008 एंड 9 मीन्स 2008 और 9 में आल्सो, उन दोनों ईयर में भी इतनी कॉपियां सेल की जाती हैं, लेकिन जो कॉपी सेल की जाती है 2008 और 9 में, उसमें इतना इंक्रीज हो जाता है 5,800. इन बोथ ईयर 2008 एंड 9 द नंबर इंक्रीज बाई 5,800 मीन्स इसमें इस नंबर को ऐड कर दो. 7 में इतना सेल हुआ 53,290, 8 में कितना होगा 53,290 प्लस 5,800. तो 53,290 प्लस 5,800 को ऐड करने पे जो आएगा, उसमें एक बार फिर से 5,800 हम ऐड कर देंगे. उतनी कॉपी 2009 में सेल की गई. इट मीन्स आपको 53,290 में 5,800 दो बार ऐड कर देना. नाउ लेट्स सी, 53,290 प्लस 5,800 एंड प्लस 5,800, इनको हम ऐड कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा. जो आएगा, जो भी नंबर आएगा, वही हमारा आंसर होगा. इसी तरीके से सभी क्वेश्चन हैं, तो जिनको आपको सॉल्व करना है, थोड़ा सा डिजिट चेंज है, वर्ड्स चेंज हैं, उनको समझिए आप लोग और सॉल्व करिए. एक क्वेश्चन मैं और यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट नंबर इज 15,220 मोर देन 50,780 मीन्स वो नंबर क्या होगा, कौन सा नंबर है जो 15,220 ज़्यादा है 50,780 से. तो आइए हम इसको सॉल्व करके चेक करते हैं, देखते हैं. इसी क्वेश्चन नंबर 5 के बेस पे मैं आपको एक छोटी सी डिजिट लेके आपको समझाता हूँ. मैं मान लो आपसे कहूँ कि व्हाट नंबर इज 7 मोर देन 8, वो नंबर क्या है जो 7 अधिक है 8 से, मीन्स तो नंबर क्या होगा जिसे मैं कहूँ कि 8 से 7 अधिक हो, तो नंबर क्या होगा, 8 से 7 अधिक है, इट मीन्स 8 प्लस 7 15. यहाँ पे कह रहा है, आप देखिए वो नंबर क्या है, 15,220 ज़्यादा है 50,780 से, मीन्स 50,780 से ज़्यादा है 15,220. तो इसको हम ऐड कर लेंगे, 0 प्लस 0 0, 8 प्लस 2 10, हियर 0 कैरी 1, 7 टू 9 1 10, हियर 0 कैरी 1, 5 1 हियर 6
and 5 1 here 6. Answer is 66,000. तो हमारा आंसर यहाँ पे 66,000 आ गया। अब इसी के बेस पे एक इसमें जो भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4C में इसी तरीके से हैं। आप लोग इनको अच्छे से पहले पढ़िए, उनकी मीनिंग समझिए, उसके बाद इसको सॉल्व करना है आप लोगों को। यही आपका होमवर्क है। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।